हाय एवरीवन, इसमें हमज़े एंड यू आर वॉचिंग HTTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं मेडिसिन रन आउट इन पाकिस्तान। तो हेल्थ सेक्टर, फार्मेसी सेक्टर, मेडिसिन ड्रग सेक्टर, ये सब जो है ना बहुत बुरी तरह से आप कह लें कि ख़त्म होने की उस पर आए हुए हैं, क्योंकि LCs बंद हैं। और LCs जब तक नहीं खुलेंगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कंपनियां फैक्ट्रियां बंद कर कर के अपना सरमाया लेके बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर LC खुल भी गई तो जिस रेट पे हुकूमत हमें कहे कि बेचने के लिए, उस रेट पे तो हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, और शॉर्टेज पैदा होने वाली है दवाइयों की आने वाले दिनों में। देखते हैं जी इस पे IML क्या कहते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के अरे साथ। तुम ऐसे ही करती हो जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बना हुआ है। पेनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई तो आम मिल ही नहीं रही, पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। पेनाडोल तो एक साल से नहीं मिल रही। हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि अद्वियात की किल्लत का मामला हल किया जाए। खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबोरेटरी की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है। में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है, और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और US से 50 से 60% सस्ती है। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं, अब घबराते भी नहीं, अब हमने घबराना ही छोड़ दिया। में हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था, ये पाकिस्तानी मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये ले तो रहे हैं लेकिन एक दिन बिखर जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए, बिखरने की शुरुआत 1971 में ही हो गई थी, जब ये एक से दो सबसे बड़ा फेलियर तो इनका तभी से शुरू हुआ था। अब ये चले गए बिल्कुल और 71 में जाके। इसकी वजह क्या है? और जब कोई मुल्क बर्बाद होता है तो प्याज की लेयर की तरह धीरे धीरे उसकी परतें उधड़ती चली जाती है। ठीक है जी, उन्हीं प्याज की लेयरों में से एक पाकिस्तान की लेयर और उधड़ गई। हलवा पकाए। पाकिस्तान के अंदर दवाइयों का हो गया क्राइसिस, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वक्त एंट्री लेवल पे था, अभी नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ऐसे नहीं चलेगा। और इनके लोगों से पूछा जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। प्रॉब्लम इज शॉर्ट आउट। अगर आपके मुल्क में दवाइयाँ नहीं मिल रही हो, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में प्याज महंगा मिल रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में आटे की लाइन लगानी पड़ रही है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपके मुल्क में पेट्रोल 270 से ऊपर चला गया, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपका डॉलर चांद पे जा रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। रॉकेट साइंस सिर्फ पाकिस्तानियों के पास पाई जाती है। अबे साले, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, 75 साल से ये लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं तो आज इस दहलीज पे कैसे पहुंच गए, कैसे गलत नमाज पढ़ रहे थे। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, बिल्कुल कि ये पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, वहां से डॉक्टर यहां पर आने चाहिए? नहीं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? पता नहीं, जरा सोचिए। गरीब को तो मारना है। इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? आज ही मैं बताना चाहूंगा, प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में काफी इशू चल रहे हैं मेडिसिन के हवाले से, कि जितनी कंजप्शन है उतनी मेडिसिन प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट भी बहुत कम है इस वाले से।
काफ़ी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं, जो रनिंग आइटम्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें में बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पेनाडॉल शॉर्टेज हो गई है, क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और ईजिली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजिली। क्या वजह समझ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा परेशान है, तकरीबन एक हफ्ते से हैं, कुछ छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, चार दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया का, आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनका जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो इस वक्त बे इंतहा ग्रो कर रही है पाकिस्तान समेत हर जगह, तो उनकी काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों क्या खामियाँ हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना पाते हैं, क्या बातें करते रहते हैं? सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं, हमारे इधर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाए, ज्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है, उसकी रीजन क्या हो? उसकी रीजन ये उनके जो हुक्मरान है ना वो तरीके से काम करते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देती हैं। सही। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दोरों पे दोरों करते रहें, उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, कहीं भी जाएं वैसे तो इंपोर्टेड मेडिसिन जहां भी जाएं फार्मेसीज में अवेलेबल ही नहीं होती। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो है वो उसी को पसंद करते हैं, यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो जो मेयार को वो समझते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा की बात है, तो बाहर वाली देखेंगे हम गलियाँ पक्की करवाने के नाम करवाने के लिए, ना कुछ काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बस जलील हो रहे हैं अस्पताल, ना यतीम सारे जी जलील हो रहे हैं ना, क्या कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का है? मुझे बस लास्ट में बता दें भाई जान, कह रहा हूँ अब मरीज है क्या हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, यहाँ घर में खाना, तो तकिया अपने साथ पकड़ा के अंदर बैठने को जगह नहीं है? नहीं अंदर बैठने को जगह नहीं है, अगर बैठ जाते हैं तो गार्ड आता है, चलो 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 बाहर निकलो भाई, चलो चलो बाहर निकलो, ये भी साथ है तकिया भी साथ है, मरीज से वैसे तंग होते हैं घर वाले उसको लेके, जी जी इंतजामिया अलग तंग, रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है, तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों रहता है भाई, ये भी वहां कोई सहूलत नहीं है, ठीक है जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं, हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें ये है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, अच्छा बात, तुम गलत इंसान हो ना, नहीं पढ़ते, ठीक है, सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा, जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये भी चीज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है, नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफर मुसलमान से बढ़ के नहीं है, मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किसलिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, उनके ईमान मतलब बहुत मजबूत है, वो अपनी दवाई बना लेते हैं, जब दीन पे चलेंगे कोई काफर की मेडिसिन नहीं, आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया, ठीक हो गया है? नहीं नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी बात शुरू होगी, शोएब ने इंटरव्यू खत्म कर दिया, हिंदुस्तान से दवाइयां मंगानी चाहिए, अबे तुमको हिंदुस्तान दवाइयां भेजेगा भी, पहले ये तो सोच लो, ये तो पूछ लो, पहले जो हमने तुम्हें दवाइयां दी थी उसके पैसे नहीं दिए, आज तक दिए नहीं है, और दवाई ले लो, नया लेने के लिए पुराना देना पड़ता है, जाए लो, और इंडिया वाले तुमको दवाई नहीं देंगे, पहले पैसे लेंगे फिर दवाई देंगे, और नहीं तो क्या, अब बारी है आपकी, अब पाकिस्तानियों को आप खड़काओ, और आप अपनी कलम से खड़का सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका भर दो भाई साहब, लवा लव हो जाना चाहिए, और लाइक टारगेट रखते हैं 15,000, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो देखें जी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एलसीएस की वजह से
यहाँ पे मेडिसिन का क्राइसिस आहिस्ता 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 पाइलअप हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम जो लोकली थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चर करते भी हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि डॉक्टर भी मना कर देते हैं, भाई बंदा बचाना है ना, बंदे से प्यार है ना, तो ये वाली ले आ बाहर से, यहाँ वाली खाएगा ना, ना भी मरना हुआ तो मर जाएगा, मतलब मौत का फरिश्ता ना भी आना हुआ ना, तुम फ़ोन करके बुला रहे हो उसको कि आ जा। और दूसरा वो जाहिल इंसान था, मतलब नमाज पढ़ो भाई, मेरे ख्याल में चलो ज़्यादा ना सही 30% 35% 40% आबादी तो रेगुलर नमाज पढ़ती है ना, तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? तो इसका ताल्लुक नमाजों से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप मैनेजमेंट कितनी अच्छी करते हैं, आप में हुक्मरान कितने अच्छे हैं। क्योंकि सारी दुनिया जो तरक्की कर रही है, हम ये कहते हैं रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है, नो डाउट, लेकिन लेकिन भाई उसी को देती है जो मेहनत करता है। और फिर वो ऊपर वाला ये देख के रिस्क नहीं देता कि ये मुसलमान है या नहीं, वो ये देख के देता है इसने मेहनत की है कि नहीं। मेहनत के लिए हक हलाल की ज़रूरत होती है, अपने हक की, अपनी मेहनत की। हम तो मेहनत करते ही नहीं हैं, हम सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं या फिर हाथ उठा के बस झोली उठा के मांगते रहते हैं, कभी दुनिया से कभी ऊपर वाले से, हम मेहनत नहीं करते। मेहनत की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में बात यह है कि हमारे जो अच्छे अच्छे फर्टिलाइज आप किस्म कह लें कि ब्रेन्स हैं ना, हमारे जो शार्प माइंड ब्रेन्स हैं, वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो थक गए हैं यहाँ पे, और वो रहना भी नहीं चाहते हम यहाँ। उनको पता है यार टैक्स दे दे के हमने मर जाने, हमारी औलादों को कुछ मिलना नहीं है, बेहतर नहीं है बाहर जाएं, मेहनत मजदूरी यहाँ भी करनी है, मेहनत मजदूरी वहाँ भी करनी है, वहाँ पे चार पैसे तो आएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। तो मेरे भाइयों, दाएं बाएं नॉन मुस्लिम्स को, काफरों को, मुशरिकों को, हुक्मरानों को कुछ कहने से पहले अपने आप पे तवज्जो दो कि तुम खुद क्या करते हो, हम सिर्फ ब्लेम करते हैं बस। चलो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइज़।